भाभी को हुआ ननद से इश्क तो फिर क्या रचा ली शादी। नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं जय भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। समस्तीपुर में एक अजब प्रेम की गजब कहानी देखने को मिली है, जहां एक भाभी को अपनी ही ननद से इश्क हो गया और उसके बाद वो दोनों ने ही शादी रचा ली। देखिए क्या है इस पूरी खबर में। बिहार के समस्तीपुर में अजब प्रेम की गजब कहानी सामने आई है, जहां भाभी को अपनी ही ननद से हुआ प्यार तो दोनों ने शादी रचा ली। अब ननद की वापसी के लिए भाभी बच्चे के संग थाना पहुंच कर गुहार लगा रही है। मामले को लेकर गांव में चर्चाओं का बाजार गर्म है। मामला रोसरा थाना क्षेत्र का है, जहां किराने की दुकान चलाने वाले प्रमोद कुमार की शादी हिंदू रीति रिवाज से 2013 में शुक्ला देवी के साथ हुई। हालांकि महिला के पति को इस शादी से इनकार नहीं है, लेकिन आरोप है कि ननद की बड़ी बहन ने उसका अपहरण कर लिया है। भाभी की उसके पति से 2013 में शादी के बाद दोनों पति पत्नी परिवार के साथ रहने लगे। दोनों को दो बच्चे भी हुए, सभी हंसी खुशी से अपनी जिंदगी बिता रहे थे। इसी बीच शुक्ला देवी को अपने ही ननद सोनी देवी से प्यार हो गया और इसको लेकर दोनों ने 5 महीने पूर्व ही एक दूसरे से शादी रचा ली। दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। शुक्ला को अपने ही ननद से शादी करने की जानकारी उसके पति प्रमोद को भी है। हालांकि दोनों की राजामंदी के कारण वो कुछ नहीं बोल सका और सभी लोग साथ रहने लगे। क्या नाम बताए आप? शुभकला देवी। पिताजी का क्या नाम है? पिताजी का नाम श्री स्वर्गीय झाबालाल दास। आपका मातृक कहाँ है? मातृक दात पे रहते हैं। दात पे रहते हैं। तो झाबालाल दास अभी जिंदा है? नहीं, मर गए। मर गए। तो आपका शादी किसके यहाँ हुआ था? भोजा हुआ था हमको, भोजा के साथ। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। फिर आपने जो है किससे शादी कर लिया? अपना ननद से शादी कर ली। ननद से शादी कर ली। उसका क्या नाम है? उसका नाम सोनी देवी है। कहाँ रहती है? हम दोनों धड़ा में रहते थे। उसके बाद हम काम पे गए, और जब काम पर गए तो केलाबाड़ी में भी नुकाया। उसके बाद केलाबाड़ी में भी मतलब 10-15 गोटा अलग था, 4-5 गो ई रिक्शा था, मोटरसाइकिल था, स्कॉर्पियो था। मुदा को उठा के ले गया उसको। कहाँ रखा है उसको? बहन ने बोला हम यहाँ लाए हैं, मोतीपुर आए हैं। मोतीपुर ले गया है। इनसे जो है कब शादी हुआ था आपका? 2013 में। 13 में जी। और आपसे कितने बच्चे हुए हैं? 2 बच्चे। 2 बच्चे हैं। एक महिला हो के महिला से शादी कर लिया है? जी। अच्छा। हम उनको बिना नहीं जी सकते। अगर नहीं आएगा तो हम मर जाऊंगा, इतना तो देता हूँ, हम मर जाएंगे। अगर वो नहीं मिला तो हम मर जाएंगे, अब ऐसे मर जाएंगे। थाना में आप क्या कहना चाह रहे हैं? थाना में बोला, उसको बोला पहले ब्लॉक लाओ, अगर नहीं आने देगा उसको बाद हम आवेदन लिखेंगे। शादी को जो फोटो था वहाँ पे दो, हमको आधार कार्ड दो, लड़की का आधार कार्ड दो, उसको बाद हम ला देंगे। देगा नहीं, कैसे नहीं देगा? देगा, अब ऐसे काम होगा तुम्हारा। उसको बच्चा है कि नहीं? नहीं, उसको बच्चा नहीं है।